तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करती है। ये बड़ी जानकारी, रेत डालकर किया जा रहा है सड़क का निर्माण, ये अनियमितता को लेकर खबर है। और आपको बता दें कि रेत डालकर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, सड़क निर्माण में अनियमितता की खबर सामने आई है बागोड़ा से, जहां पर रेत डालकर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने सरपंच पर आरोप लगाया है और घटिया निर्माण करने का ये आरोप ग्रामीणों ने सरपंच पर लगाया। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से रेत डालकर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, सड़क का निर्माण किया जा रहा है। सड़क एक अपने आप में मजबूत नींव होती है और विकास का एक पैमाना देखा जाता है, लेकिन बागोड़ा से जो ये तस्वीर निकल कर सामने आई है अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। हालांकि ग्रामीणों ने सीधा सीधा आरोप सरपंच पर लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच की लापरवाही के चलते और सरपंच के द्वारा ही घटिया निर्माण का काम किया जा रहा है। तो सरपंच का पूरा तरीके से इन्वॉल्वमेंट है, ये कहना है ग्रामीणों का। सिर्फ रेत डालकर खानापूर्ति की जा रही है सड़क के निर्माण के लिए और ग्रामीणों में गुस्सा है, उबाल है। एक बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए हैं और सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। तो घटिया निर्माण करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। दुमबड़िया ग्राम पंचायत का ये पूरा मामला है। अच्छा, आपने पंचायत को अवगत कराया था? पंचायत में पंचायत वालों ने ढाई सरपंच खुद खोदिन किया है। अच्छा, वार्ड नंबर एक और वार्ड नंबर छह में जो भी सीसी रोड बन रहा है उसमें बोलने के लोग असंतुष्ट है और इनकी सम्मति से ये काम नहीं हो रहा है। और रोड पे जो रेत जमी हुई है आधा आधा फुट, ये लोग इसको हटा के रोड बनाएगा, सीसी रोड बनाने का बोल रहे हैं। और हम सरपंच साहब से ये दो बार हमने बात भी की अभी। तो ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच ने जो है सिर्फ खानापूर्ति किया है इस पूरे मामले को लेकर। सड़क निर्माण को लेकर बाकायदा बजट पास किया गया था और जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जब ये विकास कार्य शुरू किया गया तो सिर्फ रेत डालकर ही इसकी खानापूर्ति की गई है। तो ग्रामीणों में गुस्सा है, बाकायदा एकत्रित होकर सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सड़क निर्माण में अनियमितता की खबर आई है सामने और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से सिर्फ रेत डालकर ही खानापूर्ति की जा रही है। सड़क निर्माण के लिए ये बड़ी लापरवाही, अनियमितता जो है सामने आई है। बाकायदा सरपंच पर दुमबड़िया ग्राम के लोगों ने ये आरोप लगाया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मेघाराम जुड़े हैं। मेघाराम, लगातार खबर ये सामने आ रही है तुम्बड़िया गांव से कि सरपंच ने सिर्फ खानापूर्ति की है, रेत डालकर सिर्फ सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों की क्या मांग है? जी दीपिका, बताना चाहूंगा कल ही तुम्बड़िया में जो पीडब्ल्यूडी थी सड़क पर रेत डालकर ग्राम पंचायत द्वारा सीधी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, इसको लेकर ग्रामीणों ने सरपंच को भी अवगत कराया, लेकिन सरपंच की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ग्रामीणों का सीधा सीधा आरोप सरपंच पर ही है कि सरपंच की अगुवाई में ये अनियमितता बढ़ती जा रही है। जी, तो ग्रामीण अभी क्या चाहते हैं? सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी, तो दुमबड़िया ग्राम पंचायत का ये पूरा मामला है जहां पर ग्रामीणों की मांग है कि सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की जाए और रेत डालकर तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।